बरसाना में आज आनंद छाया हुआ था। आखिर वहाँ के राजा वृषभानु के घर में लंबे समय बाद पुत्री का जन्म जो हुआ था। माता कीर्तिदा तो हर्ष से फूली नहीं समा रही थी और बार बार अपने उस नवजात पुत्री को निहार रही थी, और उनकी पुत्री भी साक्षात अनेक लक्ष्मी देवी के सौंदर्य से युक्त थी। ऐसी सुंदर बालिका जिसे देखने के लिए स्वर्ग से देवतागण भी आते हैं। लेकिन ये क्या, इतना समय होने के बाद भी ये नवजात बालिका अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही थी? क्या वो दृष्टि विहीन थी या फिर वो किसी की प्रतीक्षा कर रही थी? यही है आज की राधाष्टमी विशेष श्रीमती राधा रानी के जन्म की कथा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हरे कृष्णा। बस प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त होने वाली है और राधाष्टमी का पवित्र पर्व कुछ ही समय में आने वाला है। तो चलिए आज हम राधाष्टमी के उपलक्ष में श्रीमती राधा रानी के जन्म की कथा सुनते हैं। आदि पुराण के 12वें अध्याय के 9वें श्लोक में सूत गोस्वामी अन्य ऋषियों से कहते हैं, अष्टम्यां भाद्र शुक्लस्य सा जाता रविवासरे रात्रौ परांगण समये ज्येष्ठाया श्वान्तिमे पदे। अर्थात भाद्र मास में रविवार के दिन शुक्ल अष्टमी पर आधी रात के पीछे ज्येष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में श्री राधिका का जन्म हुआ। वो अत्यंत मंगलमय घड़ी थी और वो दिन था भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी, अर्थात जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद का समय। प्रातः काल का समय था। वृषभानु महाराज दैनिक स्नान क्रिया हेतु यमुना नदी के तट पर खड़े थे। चारों ओर वातावरण प्रफुल्लित और शांत था। अनेक सुंदर पक्षी अपनी मधुर आवाज में प्रातः काल का स्वागत कर रहे थे। वृषभानु महाराज ने भी स्नान संपन्न किया और सूर्य देव को अर्घ्य देने लगे। उस दिन यमुना नदी भी शांत थी और उतने में उन्होंने देखा कि नदी की सतह पर एक अत्यंत मनोहारी सुवर्ण कमल तैर रहा था। कुतूहलता वश वे उस कमल के पास गए और जब उन्होंने उसमें देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उस कमल की पंखुड़ियों के बीच एक अत्यंत सुकोमल नवजात बालिका सोई हुई थी। उसके मुख पर एक दिव्य कांति और आभा थी। उसका सौंदर्य साक्षात लक्ष्मी देवी के समान लग रहा था। उसके नेत्र कमल की सुंदर पंखुड़ियों जैसे थे। जैसे वृषभानु महाराज ने इस बच्ची को देखा तो उनके मन में वात्सल्य का झरना बहने लगा। उन्होंने अत्यंत सावधानी पूर्वक उसे अपनी गोद में उठा लिया, आसपास नजर डाली लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। वे सोचने लगे कि आखिर ऐसे निर्जन स्थान पर इस बालिका को यहाँ कौन छोड़ गया होगा। अब इसे अकेले यहाँ छोड़ना भी सुरक्षित नहीं था, और दूसरी ओर इस नवजात बालिका को देखकर उनके अंदर एक पिता की भावनाएं इतनी तीव्र हो रही थी कि वे उस बालिका को स्वयं से दूर जाने भी नहीं देना चाहते थे। बस इस प्रकार जब वृषभानु महाराज विचारों के द्वंद में फंसे हुए थे, उसी क्षण ब्रह्मा जी उस स्थान पर प्रकट हुए। उन्हें देखकर वृषभानु महाराज ने उन्हें प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे पुत्र, तुमने और तुम्हारी पत्नी ने अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या की है और तुम दोनों की एकमात्र इच्छा यही थी कि तुम परम भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगिनी को अपनी पुत्री बनाना चाहते थे, और इस जन्म में आप दोनों की ये इच्छा पूर्ण हुई है। तुम्हारे हाथ में ये जो नवजात बालिका है वो साक्षात भगवान की अंतरंगा शक्ति और नित्य संगिनी है। जाओ, उसे अपने घर ले जाओ और संपूर्ण प्रेम वात्सल्य और सावधानी पूर्वक इनका लालन पालन करो। आने वाले समय में वे भगवान की दिव्य लीलाओं में सहयोग करेंगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से अदृश्य हो गए और अब वृषभानु महाराज के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। आखिर इतने वर्षों की तपस्या के बाद अब निसंतान वृषभानु महाराज और कीर्तिदा के घर में शिशु की आवाज गूंजने वाली थी। अत्यंत हर्ष और प्रसन्नता पूर्वक वे उस बालिका को अपने घर ले आए। जैसे ही उन्होंने घर पहुंचकर इस बालिका को अपनी पत्नी कीर्तिदा के हाथ में सौंपा तो उनके भी नेत्रों से मातृत्व के अश्रु गिरने लगे। दैव कृपा से कीर्तिदा माता बन चुकी थी। उन्होंने अपनी बच्ची को गले से लगा लिया और उसे प्रेम करने लगी। कुछ समय बाद इस बालिका का नामकरण किया गया और उनका नाम पड़ा राधा। जी हाँ, ये बालिका यानी परम भगवान श्री कृष्ण की नित्य संगिनी स्वयं श्रीमती राधा रानी।
अब दिन महीने बीतने लगे और इस बीतते हुए समय के साथ राधा रानी का सौंदर्य चंद्रमा की सुंदरता को भी परास्त करने लगा। पूरे गांव और आसपास में उनकी सुंदरता और दिव्यता की चर्चा होने लगी, लेकिन वृषभानु महाराज और माता कीर्तिदा के आनंद का स्थान अब चिंता लेने लगी थी। और उसका कारण एक ही था, और वो ये कि अभी तक इस बच्ची ने आंखें नहीं खोली थी। उन्हें भय लग रहा था कि कहीं उनकी पुत्री राधा चक्षुहीन तो नहीं है। इस भय से ही वे दोनों कांपने लगते। इतना ही नहीं, ना तो वह कभी रोती थी और ना ही किसी बात पर प्रतिभाव देती, इसलिए उन्हें ये भी भय था कि कहीं उसकी श्रवण इंद्रिय भी क्षतियुक्त ना हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। हम सब जानते हैं कि भगवान अपने भक्तों को अधिक समय तक पीड़ा में नहीं रख सकते, तो बस वृषभानु महाराज और माता कीर्तिदा की समस्या का समाधान देने के लिए भी भगवान ने नारद मुनि को भेजा। अब नारद मुनि तो स्वयं भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उन्हें भगवान के दिव्य लीलाओं के विषय में ज्ञान रहता है। उन्हें ये भी ज्ञान था कि आखिर श्री राधिका अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही थी। तो उन्होंने वृषभानु महाराज से कहा, हे वृषभानु महाराज, चिंता ना करें, शीघ्र ही आप अपनी पुत्री के जन्मोत्सव को मनाने हेतु एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करिए और उसमें आपके परम मित्र नंद महाराज को अपने परिवार के साथ अवश्य आमंत्रित करिएगा। उनके यहाँ आते ही आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, ये मेरा विश्वास है। नारद मुनि की बात सुनकर वृषभानु महाराज ने तुरंत ही तैयारियां प्रारंभ कर दी। उन्होंने गोकुल में नंद महाराज को भी विशेष निमंत्रण भेजा। इसका स्वीकार करते हुए जन्मोत्सव के दिन नंद महाराज, यशोदा मैया और नन्हे से श्री कृष्ण आ पहुँचे बरसाना, श्रीमती राधा रानी के घर पर। इतने समय बाद मिलने के कारण नंद महाराज, वृषभानु महाराज, यशोदा मैया और कीर्तिदा माता एक दूसरे को बधाई देने लगे। घर के अन्य सेवक गण भी भिन्न भिन्न उत्सव की तैयारियों में व्यस्त थे, लेकिन हमारे नन्हे से नंद गोपाल जानते थे कि उन्हें इस समय क्या करना है। तो अपने छोटे छोटे पैरों के घुंघरू और कमरबंद को खनकाते हुए, घुटनों के बल चलते हुए नन्हे से कृष्ण पहुंच गए उस स्थान पर जहां नन्ही सी राधा रानी को एक सुंदर पालने में सुलाया हुआ था। जैसे ही श्री कृष्ण उस झूले के पास पहुंचे तो उनके शरीर की दिव्य सुगंध से ही राधा रानी समझ गई कि उनके प्राणनाथ साक्षात श्री कृष्ण उनके समीप आ चुके हैं और अब वे उनका दर्शन कर सकती है। तो इस प्रकार सबसे पहली बार राधा रानी ने अपनी कमल की पंखुड़ियों के समान आंखें खोली और सर्वप्रथम श्री कृष्ण के दर्शन किए। श्री कृष्ण भी राधा रानी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो गए और कुछ ही समय में राधा रानी रोने लगी। जब वृषभानु महाराज और माता कीर्तिदा ने अपनी पुत्री की मधुर आवाज सुनी और देखा कि उसने अपने नेत्र खोल दिए हैं, तो वे अत्यंत हर्षित हो गए। आखिर इतने महीनों बाद पहली बार उनकी पुत्री ने आंखें खोली थी और किसी बात पर प्रतिभाव भी दिया था। ये देखकर उन सब का हर्ष दुगना हो गया। इस प्रकार परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में सहयोग देने और उन्हें आनंद प्रदान करने हेतु इस धरातल पर श्रीमती राधा रानी का आगमन हुआ। वास्तव में राधा रानी और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। श्री कृष्ण रसराज हैं और श्रीमती राधा रानी भाव स्वरूप हैं, यानी महाभावमयी। भाव का अर्थ है भक्ति और इस संपूर्ण प्राकृत जगत में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि शुद्ध भक्त कोई है तो वे हैं श्रीमती राधा रानी। तो इस कथा में भी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं छिपी हुई थी। चलिए देखते हैं कि क्या आप उसे ढूंढ पाते हैं या नहीं। अगर मिल जाए तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे वैदिक ग्रंथों से प्रमाणभूत कथाओं को सदा सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल उपदेश अष्टकम को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और हम आपसे मिलेंगे श्रीमती राधा रानी की एक और सुंदर लीला के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए अपने मन और हृदय से श्रीमती राधा रानी को यही प्रार्थना कीजिए कि वे हमें परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा प्रदान करें। कृष्णा प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने कृष्ण गतिर्मम। कृष्णस्य द्रविणं राधा, राधा या द्रविणं हरि, जीवने निधने नित्यं
कृष्ण गतिर्मम कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवने निधने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम जीवने कृष्ण गतिर्मम हरे कृष्णा।